इस वक्त हमारे साथ खूंटी जिला के रनिया के रहने वाले मंगलू सिंह हैं। आज से ठीक एक महीना पहले मंगलू सिंह अपनी पत्नी को लेकर तोरपा हॉस्पिटल गए, सरकारी हॉस्पिटल। इनकी पत्नी सुनीता कुमारी गर्भवती थी, वहाँ से उन्हें खूंटी सदर हॉस्पिटल रेफ़र किया गया और खूंटी सदर हॉस्पिटल से रांची रिम्स रेफ़र किया गया। लेकिन जब ये रांची रिम्स लेकर पहुँचे एम्बुलेंस से और रिम्स के बाहर उतरे तो वहाँ पर कुछ ऑटो चालकों ने इन्हें कहा कि इन्हें प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती कर देना चाहिए। उसके बाद ये अपनी पत्नी को लेकर जेनेटिक हॉस्पिटल चले गए। जेनेटिक हॉस्पिटल में इन्होंने भर्ती कराया। आज समझिए कि 27 जून है, एक महीने बाद भी इनकी पत्नी जेनेटिक हॉस्पिटल से नहीं निकल पाई है, जबकि 28 मई को ही इनकी पत्नी जो है एक बच्चे को जन्म दी। वो बच्चा इनके पास है लेकिन इनकी पत्नी अभी तक हॉस्पिटल में है, हॉस्पिटल से निकल नहीं पाई है, जबकि अब तक ये लाखों रुपए खर्च कर चुके हैं। कितना पैसा अभी तक खर्च किया आप लोग? 2,10,000। 2,10,000 दे चुके हैं जी। और कितना पैसा मांग रहा है? और 1,60,000। तो आपकी पत्नी कहाँ है अभी? अभी हॉस्पिटल में। कौन सा हॉस्पिटल? जेनेटिक हॉस्पिटल। अच्छा, और बच्चा कहाँ है? घर पे है। तो बच्चा घर पर कब से है? अभी 3 जून से। अच्छा, मतलब 28 मई को बच्चा हुआ, उसके बाद 3 जून से बच्चा को लेके आप लोग चले गए जी। क्यों बच्चा को ले गए? कहे कि वहाँ रहने के लिए दिक्कत था। अच्छा, इसलिए ले गए। तो वो हॉस्पिटल बोला कि आप लोग अपने मन से ले गए? वो लोग छुट्टी दे दिए ना। हाँ, इसलिए हम लोग ले गए। तो छुट्टी दे दिए तो पत्नी को क्यों नहीं छोड़े? उसको तो फिर पैसा लगेगा बोला। अच्छा, इसलिए नहीं छोड़े। तो पैसा नहीं दिए हैं इसीलिए आपकी पत्नी को रोक के रखा है जी। तो कि वहाँ पर अभी पत्नी का इलाज चल रहा है आपका? नहीं, अभी नहीं चल रहा है। अभी नहीं चल रहा है जी। कोई दवा या फिर वेंटिलेटेशन वगैरह कहीं कुछ नहीं है? नहीं नहीं, खाली वार्ड रूम में रखा है। वार्ड में रखा है। तो क्या बोल रहा है कि पैसा जब तक नहीं दोगे नहीं छोड़ेंगे जी? कितना पैसा बाकी है अभी? 1,60,000। तो अभी और पैसा दिए आप हाल फिलहाल में? नहीं, अभी नहीं दिए। अच्छा, तो 2,10,000 रुपये आप कहाँ से लाए, क्या करते हैं आप? अभी तो काम तो कुछ नहीं करते हैं, वही मजदूरी सब करते हैं। और जितना खेत बाड़ी सब बेच दिए जो भी था, अभी मेरे पास कुछ भी फुट्टी कौड़ी नहीं है। मतलब आप मजदूरी करते हैं और जो खेत बाड़ी था वो बेच के पैसा जुटा के उसको दिए आप जी? तो आप हॉस्पिटल वाले को जाके नहीं बोले कि मेरे पास पैसा नहीं है और सिर्फ बच्चा हुआ है तो फिर इतना पैसा कैसे खर्चा हो गया? नहीं बोले थे, फिर वो लोग बोला कि कुछ ना तो व्यवस्था करना ही पड़ेगा। फिर हम फिर घर चल गए। तो आप कहीं पुलिस प्रशासन के पास नहीं गए मदद के लिए, विधायक सांसद किसी के पास? अभी तक तो नहीं किए हैं। नहीं गए जी। तो आप अभी भी पैसा जुटाने में लगे हुए हैं जी? तो देखिए, ये अभी भी पैसा जुटाने में लगे हैं। ये बता रहे हैं कि इनकी गर्भवती पत्नी जब बच्चे को जन्म दी तो 2-3 दिन बाद ही ये बच्चे को लेकर गांव चले गए। आप समझिए कि एक नवजात जिसे माँ की दूध का सख्त ज़रूरत होता है, माँ और बच्चे को भी अलग कर दिया गया। और पैसे के लिए अभी पिछले एक महीने से इनकी पत्नी को एक तरह से बंधक बनाकर हॉस्पिटल में रखा गया और कहा जा रहा है कि जब तक पैसा नहीं देंगे तब तक छोड़ेंगे नहीं। आशीष साहू जी हैं जो उस इलाके में समाज सेवी का काम करते हैं, इन्होंने इस बात की जानकारी हमें दी और अभी फॉलोअप के दफ्तर ये लोग पहुँचे हैं। तो ये बता रहे हैं कि ज़मीन जगह सब बेच के गिरवी रख के पैसा दिए हैं। तो अब आप लोग क्या सोच रहे हैं? देखिए, ऐसा है ना, सबसे पहले तो ये गांव देहात से बिलोंग करते हैं, इनको कुछ ऐसा जानकारी नहीं था, मेरे गाँव से बगल में ही थे। तो ये आए हमको बताएं कि ऐसे ऐसा बात है, तो हम लगे कि किसी तरह इनको न्याय मिले। कुल मिला के कम से कम इनका जो ज़मीन जगह है अगर वापस हो जाए किसी तरह, और इनका जो एक्चुअली न्याय हो इनके साथ, जो भी हो अच्छा हो। ये आप जो अपने स्तर से पता किए, क्या इलाज हुआ है? सिर्फ बच्चा हुआ है और कोई इलाज हुआ है? 4 लाख क्या चीज़ का? नहीं, केवल डिलीवरी हुआ है। हाँ। और हम पर्सनली इसका घर जाके देखे, बच्चा इसका सही है। हाँ। इसकी वाइफ से हम बात किए, वो हमको बोली कि नहीं, हम 15 रोज से अभी हैं यहाँ पे, बस खाना खा रहे हैं, सो रहे हैं। कोई दवा भी नहीं? कोई दवा नहीं, किसी तरह का कोई दवा नहीं चल रहा है वहाँ पे। और बाकी तो जो बिल है जो भी है वो तो हम लोग के पास सही है। मतलब 2,10,000 दे दिए, 1.5 लाख और मांग रहा है? हाँ, 1,60,000 रुपये और मांगा जा रहा है। तो देखिए, ये एक निजी हॉस्पिटल की लूट की कहानी ही कहा जा सकता है कि एक गरीब परिवार की महिला गर्भवती होती है, वो इलाज कराने के लिए जाती है, डिलीवरी कराने के लिए अस्पताल जाती है, तो 3 से 4 लाख रुपए किस तरह से ऐंठ लिया जाता है।
और ये बता रहे हैं कि मनरेगा मजदूर हैं, दिहाड़ी मजदूर हैं, और ये जगह ज़मीन सब बेचकर गिरवी रख कर पैसा जो है किसी तरह वो हॉस्पिटल को अभी दिए हैं। अब इनके पास कुछ नहीं है, इसीलिए ये मीडिया और तक आए हैं ताकि सरकार तक ये बात पहुंच सके और सरकार जान सके कि उनके नाक के नीचे प्राइवेट हॉस्पिटल किस तरह लूट का नंगा नाच कर रही है और किस तरह इस पर कंट्रोल की ज़रूरत है, और ख़ास करके मंगलू सिंह जैसे लोग हैं उन्हें कैसे न्याय मिले, इस पर ज़रूर विचार करना चाहिए। और हम सरकार से, मुख्यमंत्री चंपई सोरेन से, स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता से ये कहना चाहेंगे कि ये सिर्फ जेनेटिक हॉस्पिटल की कहानी नहीं है, बल्कि कई ऐसे निजी अस्पताल हैं जो अक्सर गांव और दूर दराज से आए मरीजों के साथ इसी तरह करते हैं। इन पर सख्त कार्रवाई की ज़रूरत है। शुक्रिया। बायोम मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, इंडिविजुअल डाउट काउंटर्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी, 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच, स्टडी पैकेज एंड क्लास नोट्स इन पीडीएफ। झारखंड के इतिहास में पहली बार नीट यूजी में 700 मार्क्स पार, 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स और 11th पास स्टूडेंट के लिए फ्रेशर कोर्स, 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स 18th अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। कॉन्टैक्ट बायोम। Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in